टॉपिक है वो है ड्राफ्टिंग ऑफ शर्ट, यानी कि शर्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। ठीक है, शर्ट की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले एक लंबाई की रुख, एक चौड़ाई की रुख, एक लंबाई की रुख ले ली, एक चौड़ाई की रुख ले ली। ठीक है, सेट करूंगी। लेने लेने के लिए सबसे पहले मैं क्रॉस बैक लूंगी। क्रॉस बैक के लिए नुक्ता ए से बी करने की लंबाई मैंने लेनी है 21.7। सर्दी लाइन लगा, यह हमारे कंधे की लंबाई नुक्ता ए से बी 21.7 मैंने ले ली। नुक्ता ए से सी गुद्दी तक कमर 39.4 लेना है। अब ए से मैंने सी निशान लगाना है 39.4 और ये है 39.4 सेंटीमीटर और यहाँ से मैं एक फर्दी लाइन ड्रा कर दूंगी। नुक्ता सी से नुक्ता डी तक का फासला 18 सेंटीमीटर, इसको मैं डी का नाम दूंगी और ये है 18 सेंटीमीटर। ये सी से डी तक हम देख रहे हैं। लंबाई की लाइन 92 सेंटीमीटर निशान लगाऊंगी। ये कुल लंबाई नुक्ता ए से ई तक का मैं निशान लगाऊंगी 92 सेंटीमीटर। और ये है 92 सेंटीमीटर कुल लंबाई। फ्रंट और बैक जो सेपरेट बनाऊंगी इसलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि फ्रंट और बैक साइड में कौन सी अदाफी पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बैक साइड के ही पॉइंट्स ड्रा करूंगी, इसके बाद साथ साथ फ्रंट साइड से भी ड्रा कर दूंगी। हाफ क्रॉस बैक के लिए नुक्ता ए से एफ 17.3, एफ लिया 17.3। अब ये नुक्ता एफ को मैं सीधा चेस्ट लाइन पे बना दूंगी। ये नुक्ता बी जो है ये हमारे पास चेस्ट लाइन होगी और नुक्ता जो एस है इसको मैंने सीधा चेस्ट लाइन से मिला दिया। ये मैंने फ्रंट साइड पे भी नुक्ता एफ को चेस्ट के ऊपर मिला दिया और बैक साइड पे भी नुक्ता एफ को चेस्ट के ऊपर मिला दिया। अब कमर फिटिंग के लिए चेस्ट के लिए बैक साइड की चेस्ट में पहले लूंगी। चेस्ट हमने 23 जो है ना वो बैक साइड से ली। चेस्ट लाइन 23 है और बैक साइड की चेस्ट लाइन जो है 23 है और फ्रंट साइड की 25.5 चेस्ट लाइन होगी। अब आपको ये फर्क नजर आया होगा कि बैक साइड की चेस्ट जो है वो 23 है और फ्रंट साइड की चेस्ट 25.5। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं कमर की फिटिंग के लिए नुक्ता सी से एच 20.3 ये बैक साइड के लिए है। अब ये 23 वाले निशान को मैं कमर के साथ मिलाऊंगी, इसी तरह 25.5 वाले निशान को 21.6 के साथ है। अब कमर के बाद मैं हिप लाइन लूंगी। हिप लाइन जो है नुक्ता डी से नुक्ता आई तक 26.8, इसको मैं आई का नाम दूंगी और ये है 26.8। हिप जो है वो फ्रंट और बैक का एक ही लेंगे, यानी कि बैक साइड से भी 26.8 लिया और फ्रंट साइड से भी 26.8 मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, अब दामन की चौड़ाई देखेंगे। दामन की चौड़ाई 30.7। ठीक है, दामन की चौड़ाई है 30.7। इसको जे का नाम देंगे, ये है 30.7 सेंटीमीटर। इसी तरह फ्रंट साइड पे मैं निशान लगा दूंगी। डार्ट को जो है ना हिप से मिलाते हुए दामन के साथ जो है ना वो इसकी कंप्लीट करती है ड्रॉपिंग। अब इसी तरह मैं फ्रंट साइड पे करूंगी। ये मेरा
कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आपके सामने आ गया। अब मैं इसकी कंधे की शेप करती हूँ। कंधे की शेप के लिए आपने लेना है नेक की सबसे पहले चुड़ाई लेंगे। नेक की चुड़ाई है नुक्ता ए से के बाम तक फार्मूला 7.7 ले ली 7.7 और इसी तरह फ्रंट साइड पे भी मैंने नेक की चुड़ाई 7.7 ले ली। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे 7.7 का निशाना है वहां से 2 सेंटीमीटर मैंने ऊपर उठा लिया। मैंने ऊपर इधर से भी उठा लिया 2 सेंटीमीटर ही मैंने फ्रंट साइड से भी ऊपर ले लिया। अब गले की बैक गले की गहराई आपने लेनी है 3.8 नुक्ता ए से नीचे की तरफ 3.8 आपने निशान लगाया। अब ये जो 2 सेंटीमीटर ऊपर लेके गए थे वहां से गुलाई करते हुए 3.8 वाले निशान से मिला हो गई हमारे बैक गले की गुलाई। ठीक है, फ्रंट गले के लिए आपने नुक्ता ए से पी लेना है 9 सेंटीमीटर। यह सामने बैक गला है, बैक साइड पे मैंने बैक गले की गुलाई ली जिसकी 3.8 आया था और ये फ्रंट गले की है। फ्रंट गले पे मैंने ए से पी लिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सजावट के लिए यहाँ से मैं इसका एफ से नीचे डोन लूंगी 2 सेंटीमीटर। ये मैंने बैक साइड पे लिया एफ से नीचे 2 सेंटीमीटर और फ्रंट साइड पे मैंने 2.5 सेंटीमीटर नीचे लिया। बैक साइड पे मैंने 2 सेंटीमीटर लिया और फ्रंट साइड पे मैंने 2.5 सेंटीमीटर लिया। अब जो 2 सेंटीमीटर मैं नीचे आई थी यहाँ से मैं बाहर की तरफ जाऊंगी 1.6 सेंटीमीटर। यह मैं 1.6 इस निशान से 2 सेंटीमीटर वाले निशान से बाहर की तरफ आई। इसी तरह फ्रंट साइड पे 2.5 वाले निशान से 1.5 मैं बाहर की तरफ जाऊंगी। ठीक है, अब मेरा ये फ्रंट साइड पे भी जो है ना वो निशान मैंने लगा दिया 1.5 का और बैक पे मेरा 1.6 है। अब ये जो 2 सेंटीमीटर वाला निशान था इसको मैं ये वाले 1.6 के साथ तिरछा मिला दूंगी। ये फ्रंट साइड से मैंने ये 2 सेंटीमीटर वाले निशान को 1.6 के साथ मिलाया। इसी तरह ये 2 सेंटीमीटर वाले निशान को मैंने 1.5 के साथ मिला दिया। ये बैक साइड का तो मेरा सेम ऐसे ही रहेगा लेकिन फ्रंट साइड पे क्योंकि हमारी एक कंधे की डॉट्स होती हैं इसके लिए इस पॉइंट को 3.2 मैं मजीद आगे पीछा बढ़ा दूंगी। अब फ्रंट साइड पे मैंने 3.2 आगे की तरफ बढ़ाया क्योंकि इधर से हमने कंधे की डॉट लेनी है। 3.2 कंधे की डॉट की चौड़ाई होगी इसलिए उतना ही हमने 3.2 आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब कंधे की गुलाई के लिए बैक साइड के लिए हमने ये कंधे की जो लाइन है इसकी हमने हाफ करना है। हाफ करके इसकी हम गुलाई करेंगे। ये मैंने हाफ करके ये जो 1.6 बाहर की तरफ मैंने निकाला था उसको मैंने ये सेंटर के साथ मिला दिया। अब यहाँ से गुलाई करते हुए मैं 23 वाले निशान से मिला। अब इसी तरह फ्रंट साइड के लिए ये कंधे की लाइन जो है इसका मैंने हाफ किया। हाफ करने के बाद इधर से 1.6 बाहर की तरफ मैंने लेके वहां पे मैंने लाइन ड्रा करनी है। ये देखिए आप फ्रंट और बैक में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये मेरी बैक साइड है इसको 23 वाले निशान से मैंने मिलाया। ये फ्रंट है, फ्रंट का मैंने हाफ करने के बाद 1.6 बाहर की तरफ आई और वहां से गुलाई जो है ना 25.5 वाले निशान से मिला दी। ठीक है, अब मैं इसकी जो कमर की कंधे की डॉट्स हैं वो मैं लूंगी। कमर कंधे की डॉट्स के लिए नुक्ता के से जो है ना 5.8 मैंने निशान लगाया। ये मैंने 5.8 का निशान लगाया। अब क्योंकि हमारे कंधे की जो डॉट थी उसकी चौड़ाई 3.2 थी, अब इस निशान से 3.2 का हाफ करने के बाद जो है ना वो आ जाएगा 1.6 इस साइड पे, 1.6 इस साइड पे। ये दोनों मैंने निशान लगा दिए। अब नुक्ता बी से जो है ना वो अंदर की तरफ मैं लूंगी 9.7 सेंटीमीटर। ये मैंने 9.7 सेंटीमीटर निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला जो डॉट जो 5.8 का जो निशान था इसको मैंने ये 9.7 वाले निशान से मिलाते हुए 1.3 नीचे की तरफ नुक्ता ओ लगा दूंगी। ये मैंने 3.2 जो चौड़ाई ली थी अब इसकी ये वाला जो निशान है इसको भी मैं इस कार्नर के साथ मिला दूंगी और ये वाले को भी इसके साथ मिला दूंगी। ये मेरे पास एक डॉट की सूरत में प्लेट आपको वादिया नजर आएगी। ये मेरे पास फ्रंट साइड की कंधे की डार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गई। अब मैं फ्रंट और बैक पे कमर डार्ट जो है ना वो बनाऊंगी। कमर डार्ट के लिए नुक्ता सी से 9 सेंटीमीटर अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी। निशान लगा दिया क्योंकि कमर डार्ट जो है फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आएगी इसलिए मैंने फ्रंट पे भी बैक पे भी और फ्रंट पे दोनों पे लगा दिया। और जो कंधे की डार्ट है वो सिर्फ फ्रंट साइड पे ही आएगी इसलिए मैंने इसको फ्रंट साइड पे ही ड्रा किया है। अब मैं इसको ड्रा करती हूँ। अब ये 9 वाले निशान से मैं 11.5
7.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लूंगी, यानी कि कुल डार्ट की लंबाई जो है ना वो 23 सेंटीमीटर लंबाई होगी। ये मैं ड्रा करूंगी, अब ये मैंने लाइन ड्रा कर दी डॉट की। अब डॉट की जो चौड़ाई है वो 2.5 है, ठीक है। 2.5 का जब मैंने हाफ किया तो 1.2 एक साइड पे आ गया और 1.2 दूसरी साइड पे आ गया। ये मैं निशान लगाती हूँ। अब ये जो फाइव वाले डॉट्स हैं इनको मैं इन कॉर्नर के साथ मिला दूंगी। जिस तरह ये इसकी शेप बनी है इसी तरह ये वाले डॉट्स हैं, इनकी शेप आपको नजर आएगी। मैंने इसकी डॉट्स जो है ना वो ड्रा कर ली, ये फ्रंट साइड बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे एक जैसी है, ठीक है। इनको ड्रा करने के बाद इसकी शेप इस तरह से हमारे पास सामने आ गई। अब इसका जो है फ्रंट साइड के जो अदाफी पॉइंट है, बैक साइड हमारे पास सारी कम्प्लीट हो गई है। अब फ्रंट साइड का जो है ना वो लेंथ में हम 2 सेंटीमीटर ज्यादा लेके यहाँ से हम नीचे से इसकी जो गेयर है उसमें से गुलाई करेंगे। 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बढ़ा दिया। अब इसको मैं कट स्केल के साथ जो है ना इसकी गुलाई कर दूंगी। ये मैंने इसको ड्रा किया, ये इस तरह से शेप मेरे सामने आ गई। ये फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे इसको हम ड्रा करने की जरूरत नहीं आती, ये हम जस्ट फ्रंट साइड पे ही ड्रा करते हैं। हाँ जी, फ्रंट साइड का एक अदाफी पॉइंट जो हमारे पास रह गया, इसकी साइड डार्ट भी होती है। साइड डार्ट के लिए ये कमर लाइन से 4 सेंटीमीटर में ऊपर की तरफ जाऊंगी। कमर लाइन का जो डार्ट है इसकी भी चौड़ाई 2.5 ही होगी, ठीक है। इसकी भी 1.3 मैं इस साइड पे लूंगी, 1.3 तो वो 2.5 मेरे पास इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये मैंने इनके डार्ट ले लिए। अब मैं इसको यहाँ से जो हमारी कमर डार्ट है इसके कॉर्नर से मैंने 1/2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेके ये वाला निशान जो है ना वो इसके साथ मैंने मिला दिया। ये इस तरफ मेरे पास आ गई। अब इसकी जो मैंने 2.5 का चौड़ाई इसकी ली है, यानी कि 1. जो है ना वो 2 इस साइड पे, 1.2 इधर, वो इन दोनों को मैं इसके साथ मिला दूंगी। ये डार्ट हमारे सामने आ जाएगी। बैक और फ्रंट का दोनों सेपरेट ड्राफ आपके सामने आ गए, ठीक है। अब जो है ना इसमें अगर अब ये आप लोगों के सामने कंप्लीट है, ठीक है। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट